साउथ के सुपरस्टार रामचरण की फिल्म रंगस्थलम को लोगों के द्वारा खूब पसंद की जा रही है। ये फिल्म ने जहां पहले दिन 46 करोड़ का शानदार कारोबार किया, वहीं दूसरे दिन भी इस फिल्म ने करीब 34 करोड़ का कारोबार किया है। फिल्म की कमाई 80 करोड़ के पार कर गई है। रंगस्थलम केवल तेलुगु और तमिल में ही रिलीज हुई है, लेकिन इस फिल्म का क्रेज़ लोगों में खूब बढ़ रहा है। साउथ में बागी 2 को दर्शक नहीं मिल पा रहे हैं। इस फिल्म के तो IMDb ने 9.2 की रेटिंग दी है, जो बाहुबली और विक्रम वेदा से भी ज़्यादा है। रंगस्थलम फिल्म की कहानी 1985 की घटना पर आधारित है और रामचरण इस फिल्म में चिट्ठी बाबू का किरदार निभा रहे हैं। भारत के अलावा विदेशों में इस फिल्म ने शानदार कारोबार किया और 4 दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है। साउथ फिल्मों के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बागी 2 और रंगस्थलम में कौन सी फिल्म ज़्यादा कमाई करेगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी की ऐसी और भी खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड जंक्शन।